दो क्लास तो हम लोगों ने कर लिया, एक पिछला क्लास किया, आज भी चलिए अब लगभग इतने पे ही करते हैं, फिर स्टॉप सिग्नल का प्लेसमेंट वगैरह कल फिर देखते हैं, कुछ स्लाइड करेंगे। आप लोग से ये एक जानना चाहेंगे कि क्या इसमें और क्या हम लोग बेसिक सिग्नलिंग पे ही बात करेंगे, दो क्लास आपने किया, आप लोग भी बहुत अननोन नहीं है, हम लोग और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकते हैं जो आप लोग को लगता है कि होना चाहिए सर, क्योंकि सब तो डिफरेंट जगह से हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंचार्ज के साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मानसिकता वाले के साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गियर में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली और आज के समय में क्या है कि अगर हम मॉडर्न सिग्नलिंग में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है और रिस्पेक्टफुल सिग्नलिंग की नौकरी करनी है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, तो नॉलेज इज द मस्ट, तभी आप इज्जत से अपनी नौकरी कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि ये दो क्लास में लगभग 20-22 स्लाइड हमने कर लिया, बेसिक सिग्नलिंग में लगभग 120 स्लाइड हमने अभी तक रेडी किया है, जो हमें लगा कि इतना कम से कम बेसिक नॉलेज के लिए बताना है। आप लोग के सजेशन पे और भी उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे चीज़ तो SCM, GR, SR एंड जो सर्कुलर हैं केमटेक के या RDSO के, उनसे लेके हम आ रहे हैं, जो अच्छा लगता है बताना चाहिए उसको लाके अपने स्लाइड में कवर कर रहे हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है कि हमारा बेसिक नॉलेज वैसा कुछ है, हाँ हम आप पे एलेबरेट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस पर और अनुभव के आधार पे। आप ये बताइए कि इसमें से कुछ इम्प्रूवमेंट अगर वैसा लगता है तो फीडबैक तो जरूर दीजिएगा व्हाट्सएप में, लेकिन अभी 10 मिनट इंट्रेक्शन भी कर लें, तो जो बात करेंगे अपना कैमरा भी ऑन कर दीजिएगा, कम से कम चेहरा भी पहचानेंगे, आजकल आज नहीं तो कल कभी घूमने के बहाने से आपके स्टेशन आएंगे तो कम से कम पहचान तो हो जाएगी। इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि और क्या जोड़ना चाहिए? बेसिक सिग्नल जो आपने अपने पढ़ाया, जैसे आपने पोजीशन ऑफ सिग्नल्स बताया, क्लासिफिकेशंस बताई, तो इसके साथ आप एक चीज थोड़ी ऐड कर लो कि मैनुअल की रेफरेंस के आधार पे ये है, ये मैनुअल में ये रेफरेंस है, ये पैरा है, ताकि वो एक हमें साइड टू साइड उसकी एक नॉलेज ऐड होती जाए, ताकि हमें कल जब ऑपरेटिंग वाले काउंटर करते हैं या तो मैं उनका वो TI सही आता है, भाई आप सही बात है, वो ये पूछता चीज है नहीं कि है वो चीज नहीं है, बिल्कुल ताकि हम उसको इजीली बता देंगे, भाई अब रेफरेंस क्लास, अब रूल ये देख के आप इसको ले लो। नहीं, अच्छा गुड वो सजेशन मैं है। तो ये मैं चाहता हूँ कि उसके साथ या अच्छा GR का जो रूल है नहीं वो साथ देखिए, साथ में उसका रेफरेंस मिले। मैं समझ गया आपका पॉइंट, बिल्कुल अच्छा है, हम सोचे भी थे उस टाइम में लेकिन थोड़ा कुछ सोच के उसको नहीं रखे, लेकिन सही में आपका पॉइंट अच्छा है कि जब हमको सर नॉलेज हो गई तो हम अगले को काउंटर करने के लिए वो सीधा रेफरेंस दे दें, आप GR का ये वाला पॉइंट पढ़ लो, SCM का ये वाला पॉइंट पढ़ लो। क्योंकि सर बिल्कुल अक्सर बिल्कुल हमारे जो ESM कैडर का या इवन JEE या इवन सुपरवाइजर है, वहां पे ऑपरेटिंग के सामने कमजोर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बना बना के रखा हुआ है सेक्शन में, अगर हाँ कभी हाँ कभी हाँ कभी गलती से हमारे सेक्शन में आने का मौका मिला, गलती से, ऐसे तो शौक से नहीं आ पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं, वो तो सर ऐसे पूरे डिवीजन में ऐसे 10-12 लोग मिलते हैं जिनके सामने बात नहीं कर पाते ऑपरेटिंग वाले, या मैनुअल चलिए कुछ नहीं, वो थोड़ी सा का थोड़ी नॉलेज हो जाए कुछ बस। नहीं है, वो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, वो जा रहे जहाँ से हमने लिया है बस उसके रेफरेंस को उसमें डाल दूंगा बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक चलिए यू बहुत बहुत बढ़िया सजेशन, और कोई? अरे आप लोग बात सर। नहीं जी है जी, सर, GSR का कुछ PDF वगैरह शेयर कर सकते हैं क्या आप? GNSR का PDF, पूरा GNSR ही कर देंगे, ग्रुप में डाल देंगे कल हम, ठीक है, पूरा GNSR का ही PDF कर देंगे, पढ़ते रहिएगा, उसमें Chapter 3 पूरा सिग्नल है, ठीक है, ठीक है और कोई सर, बताइए? सॉरी टू इंटरप्ट नहीं नहीं सर। बताइए बताइए। हाँ सर, ये है कि जैसे GNSR उनकी उसकी जो टेक्निकल टर्म्स है काफी वो ट्विस्टेड रहती है, वो तो समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए वो मैं बट कर जो लूँ। आपके मुंह से, जो आपके मुंह से सुनेंगे ना अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। रीजन रीजन पढ़ाने का यही है, मैं आपको बता दूं, हाँ क्योंकि सर हमारे बारे में बहुत बोलिए कम लोग सर। जानते हैं, मैं रेलवे में 2009 से हूँ, आप लोग में जो ग्रेड 1 अभी होंगे मे बी वो भी 2007-08 बैच के ही होंगे लगभग, ठीक है, जो भी ग्रेड 1 राइट से राइट राइट नौकरी कर रहे होंगे, और राइट संजोग कहा जाए या जो भी कहा जाए इसको, मैं 2008 में SBI छोड़ा, 2009 में रेल में आप ही लोग के जैसा टेक्नीशियन 3 में आया, थैंक यू। 2010 में JEE बना, वो भी RRB से ही आया, बट हम होते क्या है कि हम लोग बिहार यूपी वाले में थोड़ी एक समस्या है कि जो नौकरी पहले मिले उसे पकड़ते जाओ, जो अच्छा मिले छोड़ते जाओ, ठीक है, अभी ये सबसे बड़ी क्वालिटी है सर आप लोगों में। ठीक है, तो ये जमाना चलते आ रहा था, और देन अब फ्रॉम उस समय से ही लगभग इंडिपेंडेंट ही हूँ और अभी तक इंडिपेंडेंट ही हूँ, उस पीरियड से सब दिन
खास करके सिग्नलिंग में हमारे पास कोई बहुत सारे मिलते हैं जुड़ते हैं, एएमसी वाले भी मैनुअल, जो हमारे यहाँ ओईएम हाँ है, ओईएम है, वो अपने मैनुअल को लेके हमसे अधिक बात नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि वहाँ अगर है तो फिर अपना ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, तो आप अगर अपने लेवल में संपूर्ण मानते हो, अपने आप को क्वालिटी लगाते हो, तो थोड़ी सी मेहनत है, आपकी जगह बन जाएगी, फिर आपसे कोई बात नहीं करेगा। आपका बिल्कुल एक चीज़ याद रखिए, बहुत सिंपल है। हम लोग बुरा ये मानते हैं कि हमको डीपीआई ने ऐसा कह दिया, हम ESM लेवल थे इसलिए कह दिया, या हम JEE लेवल थे तो हमें ARM या दूसरा कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर ने ऐसा कह क्यों दिया, इंक्लूडिंग हमारे ही AST ने ऐसा क्यों बोल दिया, DST ने क्यों बोल दिया। आप ये बताइए, अगला किसी ने मुझे कुछ बोला, उन्हें ये तो पता होगा ना, आप अगर राह चलते किसी सूट बूट वाले को बोलोगे कि अरे तुम इधर सुनो, नहीं बोलोगे, नहीं सर, नहीं भी नहीं पाते नहीं हो तो आप कह के ही बात करोगे। और कोई रिक्शा वाला फटे लिटे हाथ में मिल जाए, चाहे वो कितनों करोड़पति होगा, एक फटे चिटे हाल में रोड पे घूम रहा है, तो उसको मे भी आप तुम ही करके बुलाओगे, ए सुनो तुम इधर क्या कर रहे हो, है ना। तो आपके बिल्कुल बिल्कुल आपके एटीट्यूड पे ये डिपेंड करता है कि अगला आपसे किस हिसाब से बात करे, आपको वो पहचानता है नहीं पहचानता है, वो सेकेंडरी है। फिर आपको बुरा लगता है या हमको बुरा लगता है कि उसने ऐसा कहा कैसे दिया, नहीं, पहले अपने अंदर झांकिए कि हमारे में कमी क्या थी जो उसने हमें इस लहजे से बात करने की कोशिश की, उसकी औकात कैसे हो गई जो हमको इस लहजे से बात कर लिया। या तो मेरे में कमी है तो उसको सुधारेंगे, और या नहीं, अगर उन्होंने किसी नीच व्यवहार, मतलब कुछ दिखाने की कोशिश ऐसी की है, तो फिर उसे उतारेंगे। तो ये दो तरीके होते हैं। तो 90% अपने अंदर दोष होता है, हमारे में कुछ कमी है, हमारी कुछ दोष है, उसे छुपाने के लिए हम ऑफिसर के सामने या किसी अलग के सामने अपनी एक पॉइंट को बचाने के लिए उसके 5 पॉइंट को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस चीज़ पे कंट्रोल करना है। इसमें हमारे सिग्नलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं, हमें, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, हमने अभी तक में 400-500 से SNT के पर्सन तो रेल के साथ देख ही लिया होगा, काम भी किया होगा, घुमा भी होगा। 500 में 50 ही ऐसे हैं जो अपने डिपार्टमेंट को और अपने काम के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। 450 किसी ना किसी कारण, बस मैंने कहता हूं कि वो कमजोर है, डिपार्टमेंट कमजोर है, किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, मौका नहीं मिला, कोई तो इंटर लेवल में ये पढ़ के आया नहीं था, या फिर जिनके साथ काम किया उन्होंने उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि हाँ ठीक है आप इतने सारे गियर में इस हिसाब से काम करो, और वो धीरे 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 अपने आप को हीन भावना महसूस करने लगते हैं कि मैं सिग्नल के लिए था ही नहीं। दैट इज रॉन्ग। आप हर एक व्यक्ति को, मेरा सजेशन ये रहता है कि सिग्नलिंग सबसे इजी और मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है, अगर आप थोड़ा सा उससे दिल लगा लो तो। सब चीज अजरी बात, GR & SEM मैं आपको सब दे दूंगा, पढ़ लीजिए, हमने भी बहुत पढ़ा, हमको लगता है कि हमने 10 बार पढ़ा, तब आपको कुछ समझ में आएंगे अगर आपने लाइन में काम किया है तो। GR & SEM पढ़ के वही समझ सकता है जो लाइन में काम करके आया है, जिन्होंने अपने हाथों से काम किया, अपने तरफ से पूरी यार्ड SIP ड्रॉइंग, मतलब जिस टॉपिक पे आप बात करो, अगर आपने उस पर काम किया है तो ही उसका लैंग्वेज समझ पाओगे, नहीं तो इतनी टिपिकल लैंग्वेज है, मैंने एक एक सेंटेंस में पूरा इतिहास लिख दिया है, आप समझ नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा बिल्कुल अपने, राइट अब हाँ, अपनी स्टेमिना को आप लोग बढ़ाइए। मेरा कहना कहने का मतलब समरी ये है कि आप सिग्नलिंग में, जिनकी 1-2 साल में रिटायरमेंट है उन्हें मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बैठ कर लो, जिनकी 5-7-8-10 साल भी नौकरी है, और अभी जिस प्रकार से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिर्फ इसलिए है कि सेक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, स्पीड बढ़ाना है, लॉजिस्टिक बढ़ाना है, तो SNT के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आने वाला है, क्योंकि सेफ्टी, पंक्चुअलिटी और जो सेक्शन कैपेसिटी है, तीनों बढ़ाने में 90% जो सिग्नलिंग के हैं। बिल्कुल अहम रोल है वो सिग्नलिंग गियर्स के हैं, सिग्नलिंग में भी सिग्नलिंग गियर्स के हैं। तो अगर आप नहीं स्पीड में आते हो तो बाकी कैसे करोगे काम, फिर वही है, बेइज्जती सहनी पड़ेगी। 100 किलोमीटर दूर से कोई बंदा आके 2 ठो तार छू के ठीक करके चला जाएगा, और आप 15 घंटा तक JEE SSE और ST की बात सुन के वेट करते रहोगे कि सर OEM आएगा तब तो करके जाएगा, मुझे तो आता ही नहीं है कुछ। तो इस परिकल्पना को चेंज करना है।